उन्नाव की बेटी के हत्यारों को फांसी दो। हैदराबाद के बाद अब उन्नाव की बेटी के दुष्कर्म के बाद जलाकर की गई हत्या से देश के लोगों में उबाल है। हर शहर के लोग सड़क पर आकर दोषियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में भी भगवा रक्षा वाहिनी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के निर्भया और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी के बाद अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी की देर रात इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई मौत से आम देशवासियों के गुस्से का पारा चढ़ गया है। उन्नाव मामले में लोगों ने प्रदेश की योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि काफ़ी मशक्कत के बाद पीड़िता का मुकदमा अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया था और फिर आरोपियों द्वारा उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। उन्नाव की इस बेटी के लिए आज मुरादाबाद की भगवा रक्षा वाहिनी विंग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। सरकार इस मामले में जल्दी ही कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो भगवा रक्षा वाहिनी सड़क पर आकर बड़ा आंदोलन करेगी। सर, मैं भगवा रक्षा वाहिनी से वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं ये डीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे ही हमारी बहन बेटियों के साथ निरंतर होता जा रहा है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की घटना का समांगे रोका नहीं गया तो भगवा रक्षा वाहिनी आंदोलन करेगी, कड़ा आंदोलन करेगी और इसके लिए विरोध जताते हुए आज ये लास्ट वाला हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुत्व का कार्य ये नहीं रह गया है कि हम लोग आए सड़कों पर आए और हम कैंडल जलाएं, हम लोग ये दें, इस तरीके के करते रहें और हम अपने घर पे जाके बैठ जाएं। भगवा रक्षा वाहिनी इस चीज का विरोध करती है। भविष्य में अगर कभी भी इस प्रकार का अगर कुछ होता है और इस उन्नाव वाले मामले में अगर लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है 4 दिन के अंदर, भगवा रक्षा वाहिनी सड़कों पर आएगी और कड़ा आंदोलन करेगी। जय श्री राम।